सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस केस के फैक्ट्स इस तरह हैं कि जिंदल स्टील लिमिटेड सीसीआई को इन्फॉर्मेशन देती है अंडर सेक्शन 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक्सक्लूसिव सप्लाई का एग्रीमेंट किए हुए है इंडियन रेलवेज के साथ। मतलब वो एग्रीमेंट ऐसा है कि इंडियन रेलवे जो है वो सेल से ही स्टील खरीदेगा। तो जिंदल स्टील लिमिटेड ये कहता है कि ये वर्टिकल एग्रीमेंट है और जो कि एंटी कम्पिटिटिव है। इस एग्रीमेंट से कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। सीसीआई उस इन्फॉर्मेशन पर यह ओपिनियन बिल्ड करती है कि यहाँ पर प्राइमा फेसाई केस बन रहा है, इसलिए अंडर सेक्शन 26 क्लोज 1 वो डीजी को इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर दे देती है। लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉम्पेट में अपील कर देती है, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर देती है और ये कहती है कि सीसीआई ने हमारी बात सुनी नहीं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट किया है और कहती है कि देर वॉज नो ऑडी ऑल्टम पार्टेम कि हमारी बात सुनी नहीं गई, तो इस बेसिस पर सेल जो है कॉम्पैट में अपील करता है। लेकिन सीसीआई अपनी ये कंटेंशन रखती है कि सेल के पास अपील करने का राइट नहीं है कॉम्पैट में, और सीसीआई ये कहती है कि वो जिंदल स्टील लिमिटेड के बिहाफ पर सेल की जो अपील है उसके अगेंस्ट एज ए पार्टी मानी जाए। लेकिन कॉम्पैट जो है सीसीआई की इन दोनों बातों को नहीं मानता। देन केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। केस के इश्यूज ये होते हैं कि क्या सेल के पास अपील करने का राइट है कॉम्पैट में, और क्या सेल के पास राइट है कि उसको नोटिस दिया जाए सीसीआई द्वारा और उसकी बात सुनी जाए, और क्या सीसीआई यहां पर जिंदल लिमिटेड के बिहाफ पर एज ए पार्टी लड़ सकती है कॉम्पैट में। तो सुप्रीम कोर्ट इन इश्यूज को क्लियर करते हुए ये डिसीजन सुनाती है कि सेल के पास अपील करने का राइट नहीं है कॉम्पैट में, क्योंकि मैटर जो है अभी सीसीआई के पास है और जब तक सीसीआई उसका डिसीजन नहीं सुना देती तब तक आप अपील नहीं कर सकते ट्रिब्यूनल में। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि सेल को नोटिस प्रोवाइड करने का जो ये ड्यूटी है ये सीसीआई की नहीं बनती और सेल के पास जो है वो हेयरिंग का भी राइट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि सीसीआई जो है वो जिंदल लिमिटेड के प्लेस पर कॉम्पैट में लड़ सकती है, सेल के अगेंस्ट अपील कर सकती है ट्रिब्यूनल में, क्योंकि सेक्शन 53 भी ये अलाउ करता है कि कोई भी पर्सन एनी पर्सन कैन अपील। इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट इन सभी इश्यूज को क्लियर करती है।